गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आप लोगों को कहा था अपनी चित्त की वृत्तियों को एक जगह इकट्ठा करना ही ध्यान है। चित्त को रोकना, मन को संयमित करना, विचारों को कुपथ पर ना जाने देना, सतपथ पर उनको क्रियाशील करना, यही ध्यान है। पवित्रता में सदा तल्लीन रहना और श्रेष्ठ कार्य करना, ये जीवन का उद्देश्य है। अगर विचारों की पवित्रता होगी तो उससे आपको क्या क्या लाभ होंगे, ये सोचने की बातें हैं। अगर आपके विचार पवित्र होंगे तो पुण्य अपार अपार पुण्य आप सिंचित कर सकते हैं। दूसरा, विचारों के अनुसार ही आपका स्वभाव का गठन होगा। आपके स्वभाव का गठन आपके विचारों के अनुसार ही होगा। अच्छे कार्य करेंगे तो आप अच्छे बनेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो संसार की जो नश्वरता है वो आपको समझ आएगी। नश्वरता समझ आएगी तो वैराग्य पैदा होगा। अभी तो संसार में हमारी अनुरक्ति है, हम उसके कीचड़ को पी रहे हैं। चौथा, अच्छे विचारों से आत्मसंतोष मिलेगा। अच्छे विचारों से आपको आत्मसंतोष मिलेगा। वैराग्य भाव के पैदा हो जाने से मानसिक दुखों का अंत हो जाएगा। मानसिक दुखों का अंत हो जाएगा। इन लाभों के कारण लौकिक और पारलौकिक जितने भी आनंद हैं उनकी प्राप्ति होगी। क्रोध, चिंता, शोक, उद्विग्नता, ये सब मानसिक विकार हैं। ये सब मानसिक विकार हैं। हां गुप्ता जी, इनका निरोध करना ही योग है। बिल्कुल ठीक बात है। दिमाग यदि दूषित है, विचारधारा भी दूषित होगी। मानसिक अवरोधों के कारण दिमाग सुरक्षित नहीं रहेगा। दूषित विचारधारा के कारण चित्त में हर घड़ी आशंका, चिंता, व्याकुलता, इसका उफान आता रहेगा।
ऐसी दशा में अपने चित्त को आप रोक नहीं सकेंगे, उस पर नियंत्रण नहीं लगा सकेंगे, जिसके कारण दिमाग स्थिर नहीं रहेगा। सुबेरे एक हमारी बिटिया का फोन आया, वो कहती है मैं सारी रात सोई नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। ये वही है जो विचारों पर चढ़ा हुआ अनुचित आवेश है, हर घड़ी आशंका, हर घड़ी चिंता, हर घड़ी व्याकुलता, ये उफान की तरह से हमारी चेतना पर काम कर रही है। बताइए ऐसी स्थिति में दिमाग कैसे स्थिर रहेगा? अगर स्थिर नहीं रहेगा तो जो निर्णय आप लेना चाहते हैं वो ठीक ठीक निर्णय आप कैसे ले सकते हैं? योग्यता नहीं है तो निर्णय आप कैसे ठीक ले सकते हैं? ध्यान की एकाग्रता, ध्यान की एकाग्रता कल्पना शक्ति, धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, विवेक शक्ति, विवेचन शक्ति, इन सभी शक्तियां जो जितनी भी हमारे जीवन में काम कर रही हैं, इन्हीं शक्तियों के ऊपर निर्भर करता है। यदि अस्त व्यस्त हो जाएं, तो ये आदमी की स्थिति अर्ध विक्षिप्त जैसी कर देती है। जब मनुष्य का जीवन अपने लिए ही आनंददायक नहीं है तो दूसरों के लिए कैसे हो सकता है? जब व्यक्ति खुद ही अपने जीवन का आनंद नहीं ले रहा तो वो दूसरों को आनंद कैसे दे सकता है? जरा बात को ठीक से समझना, खेलने वाला अकेला नहीं खेलता है, उसे किसी के साथ की जरूरत होती है। जिस परिवार में जिन साथियों के साथ वो रहता है, अगर वो खुद ही अपने जीवन के आनंद को नहीं ले रहा है तो सामने वाले को कैसे देगा? जब ये चीज अपनी चेतना में जग करके आती है, ध्यान संयम, ध्यान संयम, जब ये जग करके आती है तो खुद भी आनंद को पाता है और दूसरों को भी अपने जीवन का आनंद देता है। मौज मस्ती से भरा हुआ जीवन होता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आवेश के रहित मस्तिष्क ही आनंदमय जीवन का प्रदर्शन कर सकता है। स्थिर और स्वस्थ चित्त से ही भीतरी और बाहरी समस्याओं का ठीक ठीक स्वरूप समझा जा सकता है और उन्हें सुलझाया जा सकता है। सफलता के पथ पर बढ़ने के लिए धैर्य, साहस, उत्साह, दृढ़ता, लगन, दृढ़ प्रतिज्ञा, इनकी आवश्यकता पड़ती है। ये सद्गुण एक स्वस्थ चित्त वाले के अंदर ही स्थिर रह सकते हैं। विचारों की उत्तेजना, विचारों की उत्तेजना हमें अंदर से उद्विग्न करती है, उत्तेजित करती है। हर क्षण हमारे अंदर अस्थिरता को बना करके रखती है।
बिल्कुल ठीक है। असंतोष का भाव प्रमाद में फंसा आपका चैतन्य स्वरूप है। प्राणायाम यूपी योग के द्वारा ध्यान को लगा करके इस अभाव से आप मुक्त हो सकते हैं। अनिश्चित व्यक्ति इन गुणों का जो ठिकाना है उसको ढूंढ नहीं पाता तो टिकेगा कैसे। बार बार इधर उधर डोलता है, बार बार भटकता है, मानसिक आवेश बार बार विक्षोभ पैदा करता है, ऐसा आदमी सफलता से वंचित रह जाता है। महर्षि पतंजलि का जो सिद्धांत है चित्तवृत्ति निरोध है, इस निरोध का जो तात्पर्य है वो सांसारिक अनुभूतियों के कारण जो मानसिक आवेश पैदा होते हैं उनको काबू से बाहर ना जाने देना है। सारी चेतनाएं, सारी क्षमताएं हमारी चेतना में होती हैं, परंतु निष्क्रिय रहने के कारण हम उन त्रासों को भोगते रहते हैं। परंतु अपने जीवन के रास्ते को नहीं ढूंढ पाते। ऐसा ना हो कि क्रोध, शोक, लोभ ये सब करके, ये अचिंत चिंतन है जिसको करते हुए हम अपनी चेतना पर से जो हमारा स्थायित्व है वो ही हमसे हट जाए। वही हमसे हट जाए, इसलिए अपने चिंतन को परिष्कृत करते हैं। घोड़े की लगाम की तरह आवेशों का शासन हाथ में रहना चाहिए। ऐसा सुखकर परिणाम निकल कर के आएगा जिसकी परिकल्पना भी कभी आपने नहीं की होगी। आवेशों पर यदि नियंत्रण रखा जाए, उनको जितना चाहे उतना बढ़ा देने से और जब चाहे तब रोक देने की योग्यता आपके अंदर पैदा हो जाएगी। आपके अंदर पैदा हो जाएगी। जरूरत है उसको देखने की, समझने की। घोड़े की लगाम जब उसको लगी होती है और सवार के हाथ में उसकी लगाम होती है, खुल करके दौड़ाता है घोड़े को, परंतु इच्छित दिशा में। घोड़ा उसके कंट्रोल में होता है, देखिए सोच करके क्या कहा जा रहा है। आवेशों का शासन हाथ में रहे
तो सुख कर परिणाम निकलेंगे ही निकलेंगे। और सफलता से जो आज वंचित हैं वो आपको हस्तगत हो जाएगी। अब मैं निवेदन करूंगा कि ध्यान की तरफ चलेंगे। शांत दिव्य दर्शन प्रातः काल पूर्व दिशा स्वयं सूर्योदय स्वयं सूर्य सविता गायत्री का प्राण सविता सविता इष्ट लक्ष्य उपास्य सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्मशक्ति सविता ब्रह्म सविता वर्चस्व ब्रह्मवर्चस सविता सविता उपास ब्रह्मवर्चस उपास एकत्व अद्वैत साधक का सविता को समर्पण समर्पण विसर्जन विलय साधक सविता एक भक्त भगवान एक एकत्व अद्वैत कुंडलिनी जागरण कुंडलिनी जीवनी शक्ति कुंडलिनी अंत ऊर्जा कुंडलिनी प्राण विद्युत
अग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन समुद्र मंथन जीवन मंथन प्राण मंथन अग्नि मंथन 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 से अंत ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण पूर्वगमन, पूर्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से शास्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान उत्कर्ष अभ्युदय, पूर्वगमन, कुंडलिनी जागरण।
तृतीय चरण देधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से सठ चक्रों का देधन मेरुदंड मार्ग के सठ चक्रों का देधन प्राण युद्ध से शक्ति स्रोतों का उत्खनन चक्रवेद शब्दवेद लक्ष्यवेद वेधन शोधन जागरण षष्ठचक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण स्वाधिष्ठान चक्र जागरण मणिपुर चक्र जागरण अनाहत चक्र जागरण विशुद्ध चक्र जागरण आज्ञा चक्र जागरण षट्चक्र जागरण कुंडलिनी जागरण चतुर्थ चरण विस्तरण सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार ब्रह्म सत्ता में विस्तार चिंगारी का दावानल में विस्तार ज्योति का ज्वाला में विस्तार मूलाधार का आत्मसत्ता में आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में ब्रह्म सत्ता में
चिंगारी का दावा जल में। ज्योति का ज्वाला में विस्तार विस्तरण जागरण कुंडलनी जागरण। पंचम चरण कुंडली का परिवर्तन मूलाधार का संस्कार में परिवर्तन साधक का सविता में परिवर्तन आत्मज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन का महानता में परिवर्तन कामना का भावना में परिवर्तन वियोग का संयोग में परिवर्तन नर का नारायण में परिवर्तन मूलाधार का शास्त्रार में साधक का सविता में शुद्धता का महानता में कामना का भावना में परिवर्तन वियोग का संयोग में परिवर्तन नर का नारायण में परिवर्तन परिवर्तन संवर्धन जागरण कुंडली जागरण। बंधन ईश्वर दर्शन कुंडली जागरण जीवनी शक्ति जागरण अंतर ऊर्जा जागरण प्राण विद्युत जागरण योगाद जागरण ब्रह्मज्योत जागरण कुंडली जागरण महान जागरण आत्म जागरण सतो मा सद्गमया सतो मा
दोनों हाथ मले मुखमंडल पर थोड़ा रविवार की जो गोष्ठी की बात की है, सबसे प्रार्थना है अबीसी का ध्यान का अगला चरण चलेगा जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, इसलिए सब अपने बच्चों को लेकर के आए। गंगा विहार, नेहरू विहार दोनों जगह का मैंने समय दिया है। आज की बात समाप्त।